तो मानकर के बारे में सुना तो मैंने, बोला ये तो पहले से ही करप्ट, वहाँ पे रिकवरी सर्टिफिकेट भी निकला है, यहाँ तक मैंने सुना 6.5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये कुछ, 6.5 लाख रुपये का कुछ समथिंग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं कनकिया के लाइक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हूँ। यहाँ पे भी बड़ा दिलचस्प नज़ारा है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। जिन लोगों ने सोसाइटी के धांधलियों के खिलाफ शिकायत की, उन लोगों की दुकानों के ऊपर महानगर पालिका के द्वारा कार्रवाई करवाई गई है, उनकी आवाज़ दबा दी गई है। वहीं पर इन लोग जो शिकायतें कर रहे हैं उप निबंधक सतीश देवकते के पास, उनको रद्दी की टोकरी बताई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ में सोसाइटी के कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या है उनका कहना। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ कनकिया के लाइक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर भी उप निबंधक कार्यालय यानी सतीश देवकते के कारनामों की पोल खोल हो रही है, किस तरीके से धांधलियाँ की जा रही है और शिकायतकर्ता को किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो सदस्य यहाँ पे लैक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, इनका यहाँ पे होटल था। ये जो आप नीला यहाँ पे जो प्लास्टिक देख रहे हो, ये और ये इस जगह पे प्लास्टिक की जगह पे यहाँ पे शटर मौजूद था, जिसके ऊपर महानगर पालिका ने कार्रवाई की है। जबकि वही अगर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो फर्स्ट फ्लोर भी पूरी तरीके से इल्लीगल तौर पे कवर किया गया है, उसके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। शेड को आप देख सकते हैं, वहाँ पे इतने बड़ा ओपन स्पेस है, शेड डाल के टेरेस को कवर किया गया है, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे शिकायत की, सोसाइटी में जो धांधलियाँ चल रही है, जिस तरीके का गोलमाल सोसाइटी में हो रहा है, उसके बाद उनकी कार्रवाई के बाद, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? सर, मेरा यही कहना है कि इन लोगों ने भी अगर ऑल्टरेशंस किया हुआ है तो उस पर भी एक्शन लिया जाए बीएमसी के एंड से। और अभी जो फ़िलहाल जो मेन मुद्दा है कि इलेक्शन वापस होने वाला है, मुझे सिर्फ यही कहना है कि क्या सारे रिकॉर्ड्स क्लीन हो गए हैं? जो इंक्वायरी में पता चला था, इंक्वायरी में 4 साल का ऑडिट हुआ था, उसमें कहा गया था कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है, ओ फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। जब ऑडिट रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है और बाकी के रिकॉर्ड्स भी क्लीन नहीं है, तो क्या सोसाइटी वापस री इलेक्शन हो सकता है क्या? एक ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि उनके जो डीबार हुए थे मेंबर्स, वो अभी भी सारे प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम है। तो मुझे सिर्फ ये कहना है, क्या डीबार जो हो, मतलब जिनके ऊपर 75-5 की कार्रवाई, 75-5 में इंक्वायरी में, वो कितने मेंबर ऐसे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी? 3 लोगों पे हुई थी, चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे और ट्रेजरर थे, वो तीनों डीबार हो चुके थे, फिर भी उन तीनों का नाम है प्रोविजनल लिस्ट में, उन्हें चुनाव लड़ने की मान्यता दी जा रही है। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, आपका क्या कहना है कि आपकी दुकान का शटर तोड़ दिया गया? हाँ, पालिका ने तोड़ा। बिल्कुल सर, सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, बाकी सब पे भी कार्रवाई होनी जो चाहिए। सोसाइटी में धांधली चल रही है, इसके खिलाफ आप कब से सोसाइटी में आवाज उठा रहे हो? सर, हो गया सर, 3 साल से हम लड़ ही रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं, बाकी जो दुकान वाले वो डरते हैं इनसे, क्योंकि हमने जब आवाज़ उठाई तो हमारे पर इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। करेक्ट। तो बाकी सब भी यही चीज़ से डरते हैं कि जैसे ही वो उठाएगी आवाज़ तो उन पे भी। कितने लोगों की सोसाइटी है और कितने दुकानदार उसके सदस्य हैं? टोटल मिला के 56 फ्लैट्स है और 23 शॉप्स है, तो टोटल 79 है। अच्छा, आपको सोसाइटी में आने जाने के लिए मौका है? सर, हमको तो गालियाँ भी दी जाती है अंदर घुसने से पहले सर। अच्छा। ऐसा एक चीज़ बीच में भी हुआ था, जब आफ्ताब सर इंटरव्यू लेने गए थे, उनसे पहले ही हम बाहर चिल्ला के कह दिया गया कि गाली नहीं दे सकता, पर इनको अंदर घुसने मत देना, और गेट पे ताला मार दिया गया। अच्छा। हम लोग सब बाहर खड़े थे और ये लोग ने गेट पे ताला मार दिया। ताकि रिसेंट का ये हुआ, जब प्रोविजनल लिस्ट लगी थी, हमको बताया गया लेटर देकर कि प्रोविजनल लिस्ट लगी है, तो हम जैसे ही अंदर जाकर देखने लगे, नोट को दिया, उसमें प्रोविजनल लिस्ट के जो सदस्य थे उनके नाम थे या नहीं? हाँ, या सिर्फ तुमको इन्फॉर्म किया गया कि लिस्ट लगाई गई, क्या था? हाँ, लिस्ट लगाई गई लिस्ट, लेकिन हमको इनसे मिली, पता नहीं, डैड से मिली थी हमको लिस्ट। तो मुझे बस यही कहना था कि जो लिस्ट लगी थी वो हम जब देखने गए तब हमको देखने जाने नहीं दी गया, मैं और मेरा भाई। क्या जाने नहीं देने का, और क्या वजह से नहीं जा पाए? हम तो यही नहीं समझ पाते कि वो उनको प्रॉब्लम क्या है, हमको अंदर जाने से, हम अंदर जाके प्रोविजनल लिस्ट देख लेंगे तो उनको क्या तकलीफ़ हो जाएगी।
वही नहीं समझ में आता है हमको कि हम दुकान वाले के अछूत है क्या, प्रॉब्लम क्या है हमसे, हम अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हमारे पास प्रूफ भी है कि हमको नहीं अंदर जाने दिया गया। क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जब वो अंदर जाने से हमको रोक रहे थे और गाली भी। तो प्रोविजनल लिस्ट जो लगी हुई है वो लॉबी के अंदर लगी हुई है, तो अंदर लगी है तो फिर वहाँ पर लॉबी के अंदर लगी है तो वहाँ पर ये भी है बायोमेट्रिक का डोर, तो बिना बायोमेट्रिक के हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। तो आप लोग सोसाइटी के सदस्य हो, मेंबर हो, तो आपका तो बायोमेट्रिक होना अनिवार्य है? बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे शॉप में से किसी को भी बायोमेट्रिक का अलाउ नहीं किया गया। किसी को सिर्फ फ्लैट वाले ही मतलब अंदर जा सकते, सोसाइटी के सदस्य हाँ, जो फ्लैट ओनर्स है ना वो लोग ही लॉबी में घुस के नोटिस बोर्ड देख सकते हैं। जबकि अगर आप बायलॉज के हिसाब से देखें जो नोटिस बोर्ड रहता है वो मोस्टली लॉबी के बाहर रहता है या ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सब शॉप वाले एक्सेस कर सके, बट नहीं उन्होंने जाने ही नहीं दिया। और एंड तक जब इतना मतलब बातचीत होने के बाद, इतना आर्गूमेंट होने के बाद भी उन्होंने जाने नहीं दिया, जबकि बस दो कदम की दूरी पे था, बट उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दिया जाने की। तो आपने देखा किस तरीके की धांधली यहाँ भी हो रही है, किस तरीके की दादागिरी यहाँ पर हो रही है। दुकानदारों को अछूत समझा जा रहा है, जबकि कानून कहता है कि सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद, सदस्य बनने के बाद सोसाइटी की हर फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करना है और सोसाइटी में अंदर आने जाने से रोक भी नहीं सकते, जबकि इन्हें रोका जाता है, इनका थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया ताकि सोसाइटी में अंदर घुस ना सके। सर हम, मैं यहाँ से निकल रहा था तो आपने वो तिवारी जी को देखा, ये क्या बात हो रहा है यहाँ पे पिल सोसाइटी में? तो ऐसा बात, जब रिया मानकर का निकला तो मानकर के बारे में सुना तो मैंने, बोला ये तो पहले से ही करप्ट है, ये तो आदमी है ना शुरू से ही, उनके जो सोसाइटी में रहते, अपने एक मित्र रह रहे थे शर्मा जी, मिश्रा जी, सत्यदेव मिश्रा जी, सत्येंद्र मिश्रा उनका नाम है, तो उनके बारे में आप उनको पूछेंगे ना तो पूरी कुंडली इसकी मालूम पड़ जाएगी। वहाँ पे डिफ़ॉल्टर है, खुद ही इलेक्शन लड़ा, खुद ही इसने चुन के आया, कैसे आर्डर इनको पास किया देवकाटे ने वो भी पता नहीं है, कैसे कैसे इनका तो वहाँ पे रिकवरी सर्टिफिकेट भी निकला है, यहाँ तक मैंने सुना 6.5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये कुछ, 6.5 लाख रुपये का कुछ समथिंग है। और ऐसा आदमी एक कर भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचारी है, दूसरों को बोलता है कि ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया है। एक बात हो गया ना, वो बोलते हैं ना चोर खुद कोतवाल डाले, ऐसा ही एक चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी एक मछुरा हो गया ये ऐसा है। तो मैं सुना तो मैं ये लगा मानकर का नाम आया, तो मैं बोला कि भाई चलो आपने जानकारी में हमारे ज्ञान भर दे, आप है ना आप चले जाइए उसकी सोसाइटी में, वहाँ पे है ना मैं उनसे बाद में मित्र से मिला भी दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूछो तो पूरी हकीकत बयान हो जाएगी जो जिस सोसाइटी में वो रहता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। वहाँ की सोसाइटी की हालत जाके देखेंगे ना, इसके तरफ से पूरी सोसाइटी की हालत गंदगी पे पहुँच गई। और इतना मैं सोसाइटी का शांति निकेतन ये मैकडोनल्ड के बाजू में ही है, मीरा भाईंदर रोड पे ही है, कनकिया से नहीं, ये मीरा भाईंदर रोड पे, एसके स्टोन जाने के रास्ते में है ना, उसके लेफ्ट साइड में ही है। तो एक सज्जन जो राहगीर थे यहाँ से गुजर रहे, रमेश मानकर का नाम जब सुना तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि वो खुद उनके शांति निकेतन सोसाइटी में 6.5 लाख रुपए के डिफॉल्टर है, साथ ही उनके ऊपर रिकवरी का आदेश निकल चुका है, लेकिन उप निबंधक सतीश देवकते की मेहरबानी के चलते उन्हें से वसूली नहीं की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 6.5 लाख रुपये सोसाइटी से माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन भी किया था, जिसे रिजेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मीरा भाईंदर शहर के अंदर उप निबंधक सतीश देवकती की मनमानी और अपना निजी फैक्ट्री चलाई जा रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बंदिशें लाने की ज़रूरत है। विधायकों ने जिस तरीके से उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की थी वो लगा नहीं पाए हैं, अब तक का भी वहाँ पे धांधलियाँ चल रही है। अब देखना यह है कि इस पर कब कार्रवाई होगी, सतीश देवकते पर कब कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।